मैं आसिफ फारूकी हरदोई धमाल चैनल से, आज मैं अपनी हरदोई धमाल चैनल की टीम के साथ अंजुमन इस्लामी हरदोई आया हूँ। आज हमारे साथ हैं हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त, बहुत बढ़िया कार्यकर्ता एडवोकेट जनाब खालिद एडवोकेट साहब, जो सदर भी हैं अंजुमन इस्लामिया के। और आज सर ये बताइए कि ये अंजुमन इस्लामिया जो संस्था है ये कितने साल पुरानी है? ये अंजुमन इस्लामिया संस्था 1902 में इसको शुरू किया गया था, लगभग आज से 119 साल पहले। और इसमें जो हमारे बुजुर्गान ने जिन्होंने इसको शुरुआत की, जिसने इसको शुरू किया, उनका मकसद था कि गरीबों की मदद और जो शिक्षा का प्रसार, उसके उद्देश्य के लिए ये संस्था कायम की गई थी। और जब से ही कायम की गई तब से ही संस्था का यही उद्देश्य रहा है कि गरीबों को हम खिदमत करते रहें, उनकी मदद करते रहें, चाहे वो बीमार रहे हों या कोई गरीब लड़की की शादी हो। वो ये काम अंजुमन आज भी कर रही है। हम लोग 60 गरीब लोगों को हर महीने 300 रुपये वो देते हैं, उसको महाना हम लोग वजीफा कहते हैं, हर महीने पेंशन तरीके से 300 रुपये 60 लोगों को। तो ये हमारा सिलसिला लगातार चल रहा है। इसके अलावा सर्दी के मौसम में हम लोग कंबल बांटते हैं, वो भी करीब 200-250 को। और अभी जो ये लॉकडाउन हुआ था इसमें तकरीबन हम लोगों ने 250 से 300 लोगों को खाद्यान्न भी, जिसमें दाल भी थी, चावल भी था और मसाले थे और साथ में तेल वगैरह, ये सब लोगों को जरूर बांटा। अच्छा, इसके अलावा भी और क्या आपकी संस्था करती है? हमारी संस्था जो यहाँ पे एजुकेशन के लिए हम लोगों ने, जो हमारे बुजुर्गों ने शिक्षा के कायम किए थे स्कूल, उनका संचालन करती, जिसमें तालीम का निजमा लड़कियों का है, जूनियर हाई स्कूल जो सरकार से मान्यता प्राप्त है और एडेड भी है, एक प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी मतलब शहर, ये भी बहुत पुराना है, जो हर कोई की बड़ी अजीब शान शख्सियत है, इसमें तालीम हासिल कर चुकी हैं। इसके अलावा एक मदरसा है जिसका भी संचालन अंजुमन इस्लामिया करती है। और हरदोई में करीब 16-17 वक्फ ऐसे हैं जिनकी देखभाल भी अंजुमन करती है। वहाँ के जो नेत्र चिकित्सक हैं, जो सर्जन हैं, उनसे लोगों ने रब्ता किया, उनसे वगैरह टाइम लिया। और ये हमारा लगातार सिलसिला कई सालों से चल रहा है कि उनके वो यहाँ पे आते हैं, कैंप लगाते हैं, यहाँ पे आंखों की जांच होती है। और जिन लोगों की आंखें खराब होती हैं, मेदोई मोतियाबिंद होता है, ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, उनका जिला अस्पताल में ले जाकर ऑपरेशन कराते हैं। उनका टोटल खर्च जिला अस्पताल और अंजुमन इस्लामी संस्था उठाती है। साथ में जो दवा यहाँ पे वितरित की गई है वो भी सब अंजुमन इस्लामी अपने अपने जो इमदादुल गुरबा फंड से करती है। तो आज भी कैंप लगा था शायद? जी, आज यहाँ पे कैंप लगा था। जिला चिकित्सालय के 3 डॉक्टर्स यहाँ पे आए थे, उन्होंने बकायदा करीब 86 लोगों का यहाँ पे चेकअप किया, जिनमें से 17 लोग ऐसे निकले जिनका मोतियाबिंद पाया गया। तो उनका ऑपरेशन इंशाल्लाह कल हो जाएगा जिला चिकित्सालय की चिकित्सकों द्वारा, और उस पर अंजुमन इस्लामिया का जो खर्च आएगा वो अंजुमन इस्लामिया बर्दाश्त करेगी। आज भी हम लोगों ने बाकी लोगों को, जिन लोगों को सिर्फ दवा दी जानी थी, वो डॉक्टर के सलाह से वो दवा की शीशी उन लोगों को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे हरदोई धमाल चैनल पर इंटरव्यू दिया। मैं दिल से आपका आभार।